Hello everyone, today we are going to discuss the section 11 of the Transfer of Property Act 1882. Transfer of Property Act 1882 का जो section 11 है आज हम उसको discuss करने जा रहे हैं. Section 11 बात करता है restriction repugnant to interest created, कि जब किसी person के लिए आपने interest create किया है और उस पर restriction लगा दी है तो क्या होगा, इस section में ये बात करी है. मैं आपको इस section का overview दे देता हूँ. सपोज एक एग्जांपल लेके चलते हैं. ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर करी, ये ए की प्रॉपर्टी है, ये ए पर्सन अपनी प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर करता है और बी से बोलता है कि मैं तुमको ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूँ लेकिन तुम इस प्रॉपर्टी में रहना मत, तुम इसमें सिर्फ दुकान चलाना, अपना बिजनेस चलाना, रहना मत, कॉमर्शियल पर्पज के लिए यूज लो, आप रहो मत यहाँ पे. तो यहाँ पे ये जो रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है ए बी के ऊपर, ये वो रिस्ट्रिक्शन है जो बी का राइट टू एंजॉय है उस प्रॉपर्टी में, जो प्रॉपर्टी का राइट टू एंजॉयमेंट है उस प्रॉपर्टी को सीज कर रही है, तो ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये वॉइड होगी. दूसरा रिस्ट्रिक्शन मान लीजिए, ए अपने प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर करता है और बी से बोलता है कि मैं तुमको मेरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर तो कर रहा हूँ लेकिन तुम इस प्रॉपर्टी का यूज सिर्फ और सिर्फ रहने के लिए करोगे और कोई काम के लिए नहीं कर सकते, आप उसमें कोई भी सामान नहीं रख सकते या कुछ और भी ऐसा कार्य नहीं कर सकते या फिर कोई भी कॉमर्शियल यूज के लिए आप प्रॉपर्टी का यूज नहीं ले सकते. तो मैं अगर इस टाइप से कोई प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा हूँ तो ये प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर है ये वॉइड होगा. वो ट्रांसफर जो हुआ है प्रॉपर्टी का वो वैलिड होगा लेकिन ये जो कंडीशन लगाई है ये कंडीशन वॉइड होगी. स्पेसिफिकली हमने अभी लास्ट जब सेक्शन 10 देखा, अब हम 11 की बात कर रहे हैं और अभी हम आगे 12 सेक्शन की बात करेंगे. ये जो तीनों सेक्शन हैं ये डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में इसलिए लाए गए हैं क्योंकि 1882 से पहले हमारे इंडिया में जो प्रॉपर्टी लॉ था वो कोई कोडिफाइड लॉ नहीं था और ये सारा जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आया है ये भी इंग्लैंड से बन के ही आया है. तो इंग्लैंड में ये सारे हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो केसेस के जजमेंट होते थे और जजमेंट में जो एक्सेप्शंस होते थे उन सबों को कोडिफाई करते हुए ये सेक्शंस बना दिए गए. सेक्शन 10 में भी जो बात करी थी कि वो वहाँ पे बात कर रहा था कि आपके पास कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन दिया जा रहा था कि आप प्रॉपर्टी को एलियनेट नहीं कर सकते, मतलब प्रॉपर्टी आगे आप ट्रांसफर नहीं कर सकते. और यहाँ पे जो सेक्शन 11 में बात करी है वो बात करी है कि आप प्रॉपर्टी में जो आपका एंजॉयमेंट का राइट है आप उसको पूरी तरह से यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ द राइट टू एंजॉयमेंट में आपके रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी है. और सेक्शन 12 में भी हम अगर हम आगे देखेंगे तो सेक्शन 12 में भी एक रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है. तो ये जो सारी रेस्ट्रिक्शन जो लगी है ये सारी वॉइड होती है लेकिन जो ट्रांसफर होता है वो वैलिड होता है. और ये सारी रेस्ट्रिक्शंस आई हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो केसेस के जजमेंट हुए हैं उन जजमेंट्स को पढ़ के जब ये लॉ कॉडिफाइड किया है तो इसमें सीधे डायरेक्ट जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जजमेंट थे वो सीधे सीधे इन सेक्शंस पे बना दिए हैं और ये कॉडिफाइड लॉ बना दिया है. आगे हम बात करते हैं इस सेक्शन की. तो इस सेक्शन की जो बात है वो ये है कि वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है प्रॉपर्टी का, एन इंटरेस्ट देयर इन इज क्रिएटेड एब्सोल्युटली इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, जो इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हो आप वहाँ पे एब्सोल्युट इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हो. एब्सोल्युट इंटरेस्ट का मतलब होता है कि वो सारी पावर उस पर्सन के पास होगी जो ट्रांसफरर के पास अभी है ट्रांसफर करने से पहले. आज अगर ए के पास ये प्रॉपर्टी है तो ए जिस तरह से प्रॉपर्टी का यूज कर सकता है, जो जो इंटरेस्ट ए के पास है इस प्रॉपर्टी के, अगर ए इस प्रॉपर्टी को बी को ट्रांसफर कर देता है तो बी के पास वो सारे इंटरेस्ट आएंगे जो ए के पास थे ट्रांसफर होने से पहले. बट द टर्म्स ऑफ द ट्रांसफर डायरेक्ट्स दैट सच इंटरेस्ट शैल बी अप्लाइड और एंजॉयड बाय हिम इन अ पर्टिकुलर मैनर. तो जैसा कि मैंने आपको इलस्ट्रेशन में बताया था कि अगर ए अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है बी को और बी से बोल रहा है कि सिर्फ आप कॉमर्शियल पर्पज के लिए यूज लो इसको, रहने के लिए यूज मत लो, रेजिडेंशियल पर्पज के लिए यूज मत लो, तो ये जो रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है ये आगे हम तो यहाँ पे जो एंजॉयमेंट है उसका एंजॉयमेंट में आप इंटरेस्ट है इसका प्रॉपर्टी में एंजॉयमेंट है रहना लेकिन आप रहने के लिए मना कर रहे हो उसको कॉमर्शियल पर्पज के लिए ही दे रहे हो. तो ही शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव एंड डिस्पोज ऑफ सच इंटरेस्ट एज इफ देयर वर नो सच डायरेक्शन. तो जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हुआ है वो तो ट्रांसफर वैलिड है लेकिन डिस्पोज ऑफ सच इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट ए क्रिएट कर रहा है बी के लिए वो ऐसा माना जाएगा कि उस पर कोई भी चीज नहीं मानी गई है, कोई डायरेक्शन नहीं है, वो वॉइड माना जाएगा. वो जो ट्रांसफर हुआ है वो वॉइड माना जाएगा लेकिन जो ट्रांसफर हो रहा है
प्रॉपर्टी का वो वैलिड है। ए अपने प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर कर रहा है एक कंडीशन लगा के कि बी तुमको यहाँ पे सिर्फ रहना है, तुम यहाँ पे कॉमर्शियल पर्पज़ का कोई यूज़ नहीं कर सकते। बजाय कि अगर वहाँ पे वो जो एरिया है वो प्रॉपर्टी है वो कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं हो सकती तो वो नहीं कर सकता, लेकिन बोल दे कि यहाँ पे इस प्रॉपर्टी में तुम गार्डन नहीं लगा सकते, तुम यहाँ पे कोई भी पेड़ नहीं लगा सकते इस प्रॉपर्टी में। तो ये जो ए कंडीशन इम्पोज कर रहा है बी के ऊपर, ये रिस्ट्रिक्शन है जो बी के एन्जॉयमेंट को खत्म कर रही है, कम कर रही है, उसका एब्सोल्यूट इंटरेस्ट नहीं दे रही, क्योंकि इस सेक्शन में बात करी है एब्सोल्यूट इंटरेस्ट की। तो ए जब ट्रांसफर कर रहा है तो ये यहाँ पे एब्सोल्यूट इंटरेस्ट जो बी का है वो वायलेट हो रहा है। तो जो ऐसा वायलेशन हो रहा है उसकी जो कंडीशन है वो वॉइड होगी, लेकिन जो ए ने ट्रांसफर करी है प्रॉपर्टी बी को, वो ट्रांसफर जो हुआ है प्रॉपर्टी का वो वैलिड होगा। आगे इस सेक्शन में बात करी है, वो बात करी है कि जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है और प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने के साथ साथ जब कोई पर्सन प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, लेकिन वो अपनी कोई एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है और उसके पास में उसके पास खुद की ही एक प्रॉपर्टी एडजेसेंट है। जैसा कि हम इलस्ट्रेशन लेके चलते हैं, इलस्ट्रेशन में कि ये ए पर्सन है, वो ए क्या कर रहा है, सेल कर रहा है अपने हाउस को। ये ए का हाउस है, ये बी को सेल करता है। तो ए अपना हाउस बी को सेल कर रहा है और यहाँ पे ये ए की लैंड है, ये जस्ट इससे एडजेसेंट है। तो ए अगर अपना हाउस सेल कर रहा है बी को और उसकी ए की ही लैंड यहाँ पे है, तो ए अपनी एक कोई भी ऐसी कंडीशन लगा सकता है जो उसकी लैंड के लिए बेनिफिट में हो, क्योंकि ये जो अमेंडमेंट आया है, ये तुल्क वर्सेस मोहक्से का जो केस था 1848 का, 41 ER 1143, ये ब्रिटेन का केस है। तो उस टाइम इस केस से ये अमेंडमेंट लिया, ये एक्सेप्शन लिया गया, ये जो एक्सेप्शन दिया हुआ, और ये अभी इस एक्ट में भी अमेंडमेंट 1929 में आया। ये जो एक्ट था ये एनफोर्स 1882 में हुआ, लेकिन 1929 में ये अमेंडमेंट डाल के ये प्रोविज़न इस सेक्शन में डाले गए हैं। और वो प्रोविज़न में जो सेक्शन जो है वो बात करता है कि अगर कोई पर्सन की एडजेसेंट लैंड भी है साथ में और वो कोई एक पोर्शन उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करता है, क्योंकि ये पूरी प्रॉपर्टी ए की है लेकिन ए अपना सिर्फ हाउस सेल कर रहा है बी को, तो ये जो ए का लैंड है तो इसके रिलेशन में कुछ ए ऐसी कंडीशन इम्पोज कर सकता है बी के ऊपर जिससे उसका इंटरेस्ट या सेव हो रहा हो ए का। सपोज मान लीजिए ये एक हाउस है और ये ए का लैंड है, ए ने ये अपना हाउस जो है बी को ट्रांसफ़र कर रहा है, तो बी के ऊपर वो कुछ ऐसी कंडीशन लगा सकता है कि वो या तो कोई काम करे या फिर कोई काम नहीं करे। फॉर एग्जाम्पल बी बोल सकता है, ए बोल सकता है बी को कि आपको मेरी जो ये प्रॉपर्टी है जो मैं आपको हाउस सेल कर रहा हूँ, इसको सेल होने के बाद आपको इसमें जो पानी की फिटिंग है, जो यहाँ पे पानी की फिटिंग है वो सही नहीं है, यहाँ पे पानी की फिटिंग आपको करवानी पड़ेगी और वो पानी की जो फिटिंग है वो मेरे लैंड से नहीं होके जाएगी, वो कहीं दूसरी साइड से आपको लेनी पड़ेगी। तो ये जो कंडीशन लगा रहा है बी के ऊपर ए, वो वैलिड है। तो यहाँ पे कुछ करने के लिए बोला जा रहा है कि बी एक बी जो पर्सन है वो ऐसा काम नहीं कर, ऐसा काम करे। और एक कंडीशन ऐसी भी लगा सकता है कि ए बोल दें कि मैं आपको मेरी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र तो कर रहा हूँ, लेकिन आप जो मेरी प्रॉपर्टी है इसके बगल पे कोई दीवार खड़ी नहीं करेंगे, यहाँ पे कोई दीवार खड़ी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा है बी को कोई काम नहीं करने से। तो कंडीशन दोनों तरह की हो सकती है, एक पॉजिटिव कंडीशन भी हो सकती है और नेगेटिव कंडीशन भी हो सकती है। पॉजिटिव कंडीशन में आपको कोई काम करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे बी को कोई काम करना पड़ेगा, और नेगेटिव कंडीशन होगी तो बी को कोई काम नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए मना होगी कि वो ये काम नहीं कर सकता। ऐसी कंडीशन में लगा सकता है कि भाई मैं आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र तो कर रहा हूँ, लेकिन आप कोई भी जो आपका कचरा हो डस्टबिन में ही डालें और कचरे को मेरी लैंड पे नहीं फेंकें, तो ऐसी कंडीशन भी लगा सकता है। अब हम इस सेक्शन की बात करते हैं, इसमें क्या लिखा है। इस सेक्शन में लिखा है वेयर एनी सच डायरेक्शन हैज़ बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ वन पीस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग द बेनिफिशियल इन्जॉयमेंट ऑफ अनदर पीस ऑफ सच प्रॉपर्टी। अगर कोई डायरेक्शन दे रहा है, कोई कंडीशन लगा रहा है ए अपनी प्रॉपर्टी के लिए, उसका बेनिफिशियल इन्जॉयमेंट है दूसरी प्रॉपर्टी में, क्योंकि ये एक ही प्रॉपर्टी है। अब इसके बेनिफिट के लिए यहाँ पे ए बी के ऊपर कुछ कंडीशन लगा रहा है। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट एनी राइट विच द ट्रांसफरर मे हैव टू एनफोर्स सच डायरेक्शन और एनी रेमेडी विच ही मे हैव इन रिस्पेक्ट ऑफ ब्रीच ऑफ देयर ऑफ। और
जो ऊपर हमने बात करी थी कि अगर हम ऊपर बात करी थी कि हम ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगा सकते, लेकिन ये बता रहा है कि अगर एडजेसेंट लैंड है और वो एक ही लैंड है तो वो कंडीशन वैलिड होगी और वो कंडीशन लगा सकता है, और अगर वो कंडीशन ब्रीच होती है तो उसके लिए आपको रेमेडी मिल जाएगी। उसके लिए इस चीज़ के लिए जो एसेंशियल कंडीशन है वो ये है कि जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो प्रॉपर्टी एक ही होनी चाहिए, एडजेसेंट प्रॉपर्टी। अगर ए ट्रांसफरर है तो वो एक ही प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और जो एक कंडीशन लगा रहा है वो प्रॉपर्टी पे वो सिर्फ ए के बेनिफिट के लिए लगनी चाहिए, किसी और के बेनिफिट के लिए नहीं लगनी चाहिए। उसमें ए का ही बेनिफिट होगा तो ही वो कंडीशन वैलिड होगी, अदरवाइज वो कंडीशन वॉइड हो जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट दिस सेक्शन। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।